हेलो एवरीवन, आई अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है SEO लास्ट मंथ का इस मंथ का एपिसोड ऑब्वियसली। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई होप कि आप सब ठीक हैं, सेफ हैं। मैं अभी ऑफिस नहीं जा सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की तरह, इसलिए आज का वीडियो ऑडियो ओनली रहेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द ही इस नई लोकेशन पर वीडियो शूट कर पाऊँ, बट इट्स टफ, यू नो इट्स अ टफ टाइम, सबके लिए टफ है। बट अगर हम टफ टाइम में रेडी नहीं होंगे, इस मुसीबत से अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को कैसे निकाल पाएंगे बाहर? सही इन्फॉर्मेशन ही आपके क्लाइंट्स को और आपके बिजनेस को सेफ रख सकती है, और आप क्लाइंट्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उनके डाउट्स को दूर कर सकते हैं, सो दैट वो इस टफ टाइम में अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकें और डिसाइड कर सकें कि आगे इस प्रॉब्लम के बाद आगे आखिर वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे उसे वापस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इस मार्च के महीने में क्या क्या हुआ SEO वर्ल्ड में। तो 2 मार्च को गूगल ने स्कीमा डाटा में FAQ के डबल यूज़ को बैन कर दिया है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट में FAQ का एक पर्टिकुलर सेट कई सारे पेजेस में बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो आप उन सारे पेजेस में स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक पेज में ही स्कीमा डाटा या स्ट्रक्चर डाटा को यूज़ करने की परमिशन होगी, और अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस में सेम FAQ सेट के लिए स्कीमा डाटा को पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको सर्च कंसोल से एक ईमेल रिसीव हो सकता है और आपकी साइट पर एक्शन लिया जा सकता है। सो इसलिए आपसे आप FAQ के एक ही सेट को, एक ही सर्टेन टाइप के FAQs को कई सारे पेजेस में पब्लिश कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं कई बार, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं है। बट अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस में सेम FAQ सेट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर डाटा को यानी कि स्कीमा डाटा को सिर्फ एक ही पेज में पब्लिश करें, एक से ज़्यादा पेज में पब्लिश ना करें। 3 मार्च को गूगल एड्स मोबाइल ऐप में कुछ नए फीचर्स अनाउंस हुए हैं। इसमें है एक जो आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो आपको टॉप में दिखाई देगा, और जितनी भी बार आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर किसी भी ऐड कैंपेन के लिए अगर चेंज होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके अलावा अब आप गूगल एड्स मोबाइल ऐप को डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। पर्सनली आई डोंट लाइक डार्क मोड दैट मच। आई नो ये आजकल काफ़ी फैशनेबल है बहुत सारे मोबाइल ऐप्स में, एंड इवन एंड्रॉयड एज एन OS में ये फीचर अवेलेबल है, बट आई थिंक डार्क मोड स्क्रू अप विद माई पर्सनल टेस्ट। सो मैं ब्राइटनेस को कम कर सकता हूँ, बट आई डोंट लाइक डार्क मोड दैट मच। सो अगली खबर है, 5 मार्च से गूगल ने अनाउंस किया कि सितंबर 2020 तक सारी वेबसाइट्स मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर शिफ्ट हो जाएंगी। गूगल के अपने डाटा के हिसाब से 70% से ज़्यादा वेबसाइट्स ऑलरेडी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर है, बट जो भी 25-30% के आसपास की वेबसाइट्स हैं जो अभी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को यूज़ नहीं कर रही हैं, वो सितंबर 2020 तक मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पर स्विच कर दी जाएंगी। एंड आई डोंट नो कि अब ये टाइमलाइन कितना इफ़ेक्टिव है, बिकॉज अभी जो COVID-19 या कोरोना वायरस, जो भी आप इसे नाम देना चाहें इस भयानक मुसीबत को, इसकी वजह से ये टाइमलाइन मे बी आगे 2-3 महीने ऐड कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, बट राइट नाउ दिस फिगर इज़ सितंबर 2020। 9 मार्च को गूगल माई बिजनेस ने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं जो कि COVID-19 या कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से हुआ है। इसमें से फर्स्ट है चेंज इन बिजनेस आवर्स। अगर आप किसी भी तरह से इस COVID-19 सिचुएशन से अफेक्टेड हैं और आपका जो बिजनेस है वो अभी अपने यूजुअल आवर्स पर ओपन नहीं हो सकता है, मे बी आप पहले बंद कर रहे हो, या मे बी आप अभी ओपन ना कर पा रहे हो जैसा कि अभी इंडिया में सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने बिजनेस आवर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऑफिस में, अपने स्टोर में, अपने अपनी शॉप में COVID-19 सिचुएशन से अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बचाने के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स को अपने नाम के आगे टेकआउट या डिलीवरी अवेलेबल जैसे वर्ड्स को ऐड करने की परमिशन अभी मिली हुई है। सो यूजुअली हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो बिज़नेस टाइटल है, जो आपकी गूगल लिस्टिंग का टाइटल है, वो हमेशा वही होना चाहिए जो आपके बिज़नेस का रियल नेम है, बट राइट नाउ बिकॉज बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स में डायरेक्टली जाकर खाना नहीं खा सकते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेशन एंड बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, उन्हें स्पेशली जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप टेकआउट या डिलीवरी का ऑप्शन दे सकते हैं लोगों को, जैसे भी इंडियन सिचुएशन है कि सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही लोग बाहर निकल सकते हैं, तो अगर आप अपने रेस्टोरेंट्स में टेकआउट और डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अपनी लिस्टिंग में अपने रेस्टोरेंट के नाम के आगे टेकआउट अवेलेबल या डिलीवरी अवेलेबल ऐड कर सकते हैं।
एंड उससे अगला फीचर जो अवेलेबल है वो है कि आप कोविड 19 सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक एक पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं जिसमें आप इमेज कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें डिटेल्स दे सकते हैं कि आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं या क्या सिचुएशन आपके बिज़नेस के साथ चेंज हो रही है, क्या नया डेवलपमेंट है, क्या आप कुछ टेम्परेली कुछ टाइम के लिए क्लोज हैं या आप कब रीओपन होंगे। इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप इस कोविड 19 स्पेसिफिक पोस्ट के ज़रिए दे सकते हैं जो लोगों को स्पेशली दिखाई देगी। एंड उसके अलावा जो एक मेजर चीज़ ध्यान रखने लायक है जो इस पोस्ट में नहीं है बट आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बाकी सारे ऑफिसर्स की तरह गूगल माई बिजनेस की जो सपोर्ट टीम है वो भी घर से काम कर रही है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दे आर प्रायोरिटाइजिंग सपोर्ट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। सो हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजीज़ या जो केयर सेंटर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो लिस्टिंग्स हैं उनको इस टाइम ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और नॉर्मल बिजनेस लिस्टिंग्स अभी, अगर आपकी कोई कंप्लेन है, अगर आपकी अभी कोई क्वेरी है, तो आप रेगुलर चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट ना करें, मे बी आपको रिप्लाई ना मिले, मे बी आपको बहुत लेट रिप्लाई मिले। सो अभी वो सारा का सारा जो एफर्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं गूगल माई बिजनेस सपोर्ट टीम के पास, वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लिमिटेड रखे जा रहे हैं। 11 मार्च को गूगल माई बिजनेस ने फोटो और वीडियो पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है एंड एक्चुअली ये चेंज पॉलिसीज में पर से नहीं हुआ बट उनके इन्फोर्समेंट में हुआ है। इसके बारे में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो किया था अभी कुछ ही दिन पहले, शायद लास्ट जो पब्लिश हुआ था वीडियो हमारा वो इसी टॉपिक पर था। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो अभी आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 16 मार्च को बिंग ने कोविड 19 ट्रैकर को लॉन्च किया, आप इसको एक्सेस करने के लिए जा सकते हैं bing.com/covid पर, COVID इस पर जा सकते हैं और ये URL डायरेक्टली आपको वर्ल्ड वाइड और किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके आपके बहुत ही छोटे एरिया में, वहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं, कितने नई डिस्कवरीज हुई हैं, कितने नए पेशेंट डिस्कवर हुए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं या कितनी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, उसके बारे में आपको एक फिगर प्रोवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करता है। एंड ये ज़रूरी है ताकि आप अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म रख सकें एंड यू कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली। 16 मार्च को schema.org ने कुछ नए स्कीमा टाइप और डाटा टाइप को ऐड किया है। जो नया स्कीमा डाटा टाइप, जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप नया ऐड किया गया है वो है कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी। ये परमानेंट भी हो सकती है, ये टेम्प्रेरी भी हो सकती है और इस टाइप की जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो अपने वेबसाइट में इस स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर डाटा टाइप ऐड किया गया है वो है स्पेशल अनाउंसमेंट। स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप का डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, जिसको आप कोविड 19 या किसी भी स्पेशल अनाउंसमेंट अपने यूज़र्स को, अपने विजिटर्स को प्रोवाइड करने के लिए देना चाहते हैं, तो आप इस स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप के स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इवेंट अटेंडेंस मोड है उस स्ट्रक्चर डाटा टाइप को ऐड किया गया है और इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स्ड ऑप्शन देने का एक ऑप्शन ऐड किया गया है। कोविड 19 सिचुएशन के चलते बहुत सारे जो इवेंट्स थे वो या तो कैंसिल हो गए या तो उनको ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया गया। तो ऑनलाइन सिचुएशन में अगर कोई भी यूज़र उसे ऑनलाइन अटेंड कर सकता है, इफ़ देयर इज़ सच ऑप्शन, तो आप इस इवेंट अटेंडेंस मोड को यूज़ करके इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विजिटर्स को भी और गूगल को भी ये एक हिंट दे सकते हैं। 20 मार्च को गूगल ने GMB में कुछ फंक्शनैलिटीज़ को अभी टेम्परेली कोविड 19 कोरोना वायरस के चलते उसको टेम्परेली बंद कर दिया है। ये जो ऑप्शंस बंद हुए हैं ये हैं, एक तो बिजनेस इंफॉर्मेशन को जो अभी आप है वो एडिट नहीं कर सकते हैं, इसको रोक दिया गया है। जो नई बिजनेस लिस्टिंग्स हैं, क्लेम हैं और जो वेरिफिकेशन है, इसको हेल्थ केयर से रिलेटेड जो लिस्टिंग्स हैं उनको छोड़ के बाकी नॉर्मल बिजनेसेस के लिए थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया है। रिव्यूज़ अभी गूगल माई बिजनेस में नहीं किए जा सकते हैं, उनको भी बंद किया गया है और आप रिव्यूज़ के को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पहले रिव्यू दिया गया था या अभी तुरंत ही जो इस बैन से पहले जितने रिव्यूज़ दिए गए थे उनको आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आंसर्स जो गूगल लिस्टिंग्स में होते हैं उनको भी गूगल ने टेम्परेली बंद कर दिया गया है। ये फंक्शन सारे के सारे इसलिए बंद किए गए हैं ताकि गूगल जो अपना लिमिटेड अभी इस टाइम अवेलेबल है सपोर्ट सिस्टम
उसको कम्प्लीटली फोकस कर सके जो हेल्थ रिलेटेड लिस्टिंग्स हैं, जो हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उनको मैनेज करने में, उनको सपोर्ट करने में. बिकॉज हम सब की तरह जो गूगल माय बिजनेस का सपोर्ट है, वो भी सारे के सारे फंक्शंस को घर से काम करके नहीं अचीव कर सकते हैं. 23 मार्च को बिंग ने schema.org में, जो 16 मार्च को अभी अनाउंस हुआ था, स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप का स्ट्रक्चर डाटा, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. 23 मार्च तक गूगल ने इस स्पेशल अनाउंसमेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप है, उसको सपोर्ट करना ऑफिशियली शुरू नहीं किया था, बट इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने जा रहे हैं, सो वेट कीजिए. 25 मार्च को गूगल माई बिजनेस ने गूगल लिस्टिंग्स में एक नया ऑप्शन ऐड किया, जो है टेम्परेरली क्लोज्ड. अभी तक आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स में या तो बिजनेस को रिमूव करने का ऑप्शन मिलता था अपने अकाउंट से, या फिर परमानेंटली क्लोज मार्क करने का ऑप्शन मिलता था, बट अभी कोरोना वायरस के जो भी सिचुएशन इससे राइज हुई है, उसके चलते टेम्परेरली क्लोज करने का आपको भी बटन इस तरह से दिखाई देगा. पहले एक छोटा सा लोगों के मन में डाउट था, SEOs के मन में डाउट था कि इस टेम्परेरली क्लोज्ड ऑप्शन को यूज़ करने पर जो आपके लिस्टिंग है उसकी रैंक परमानेंटली डैमेज हो सकती है, उसकी रैंक काफ़ी गिर सकती है. बट गूगल ने थैंकफुली इस चीज़ को ऑफिशियली क्लियर किया कि अगर कोई बिजनेस टेम्परेरली क्लोज्ड बटन को यूज़ करके अपने बिजनेस को COVID-19 सिचुएशन के चलते टेम्परेरली क्लोज दिखाता है, तो उसकी जो रैंक है वो अफेक्ट नहीं होगी, वो एक तरह से फ्रीज़ हो जाएगी, एंड जब भी वो रीओपन करते हैं तो वो दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे. सो इन सारी बड़ी खबरों के बीच में 27 मार्च को गूगल ने अनाउंस किया कि वो COVID-19 से होने वाले नुकसान से बाहर निकलने में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की हेल्प करेगा फ्री एड्स क्रेडिट के ज़रिए. गूगल ने इसके लिए एक कंबाइंड अमाउंट डिसाइड किया है, विच इज़ $340 million. जो भी यूज़र्स 2019 के स्टार्ट से गूगल एड्स को यूज़ कर रहे थे और गूगल की एड्स की जो पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको अच्छे से फॉलो कर रहे थे, उनका अकाउंट सही स्टेटस में है, उन्हें ये एड के जो क्रेडिट हैं, फ्री एड्स के क्रेडिट हैं, वो मिलेंगे और ये उन्हें पूरे 2020 में यूज़ कर सकेंगे. ये अमाउंट पर अकाउंट कितना होगा और कब से आपको मिलेगा, इसके बारे में आपको आपके गूगल एड्स के अंदर ही नोटिफिकेशन के ज़रिए आने वाले महीनों में इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो अभी तुरंत ही लॉगिन करके रिफ़्रेश पेज को बार बार मत करिएगा, ये आपको आगे आने वाले महीनों में ईमेल और जो गूगल एड्स अकाउंट है उसके ज़रिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. 30 मार्च को गूगल सर्च कंसोल में एक यूज़र सेटिंग नाम का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है. इसके ज़रिए आप दो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. नंबर एक, सर्च कंसोल का जो स्टैट है, स्टैटिस्टिक्स है, जो सर्च कंसोल का डाटा है, वो आप सर्च रिजल्ट्स में ही देख सकते हैं इस तरह से. और इसके अलावा आप अपनी सारी वेबसाइट्स के लिए जो ईमेल, आपको ईमेल नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से. एंड 31 मार्च को बेसिकली ये इंडियन टाइम के हिसाब से 1 मार्च की सुबह सुबह ही जो ये अनाउंसमेंट हुआ है, जो हुआ है COVID-19 के बारे में, जो स्ट्रक्चर डाटा है उसमें कुछ नए एडिशंस किए गए हैं, कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में गूगल की पॉलिसीज़ हैं, उसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस आई हैं. तो इसीलिए हमने आज का जो वीडियो है इसको थोड़ा सा डीले किया, ताकि हम इस अनाउंसमेंट को भी बड़े अच्छे से कवर कर सकें. ये जो नए स्ट्रक्चर डाटा टाइप हैं, ये हैं, एक तो शेल्टर इन प्लेस डायरेक्टिव के बारे में अनाउंसमेंट है, वो ऐड किया जा सकता है. क्लोजर नोटिस फॉर एग्जांपल स्कूल या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए. क्वारंटीन गाइडलाइंस के बारे में स्ट्रक्चर डाटा ऐड किया जा सकता है. ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में स्ट्रक्चर डाटा ऐड किया जा सकता है. ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर, जिस तरह से साउथ कोरिया में या कुछ और कंट्रीज़ में भी ऐड किए गए थे, उसके बारे में स्ट्रक्चर डाटा को ऐड किया जा सकता है. इवेंट ट्रांजिशनिंग, यानी कि ऑफलाइन अगर कोई इवेंट होने वाला था, रियल फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला था, और अगर उसको ऑनलाइन चेंज कर दिया गया है या उसे कैंसिल कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है. इसके लिए आप स्ट्रक्चर डाटा को यूज़ कर सकते हैं. एंड इसके अलावा अगर किसी बिजनेस के आर्स में चेंज किया गया, उनको रिवीजन किया गया है, या जो जो उसमें शॉपिंग मोड है उसको अगर चेंज किया गया है, अगर कोई शॉपिंग सेंटर है जिसमें अभी तक विजिटर्स अंदर जाकर आराम से सामान पिक कर सकते थे, अगर उसको स्टोर फ्रंट पर शिफ्ट कर दिया गया है, तो उसके बारे में आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं. एंड उसके अलावा जो जो COVID-19 जो डिज़ीज़ है, जिस तरह से स्प्रेड हो रही है, अगर आपकी वेबसाइट इसके स्टैटिस्टिक्स या इसके मैप को शो करती है, तो आप इसके बारे लिए भी जो स्ट्रक्चर डाटा है उसको शो कर सकते हैं. सो दिस वाज इट, ये इस मार्च महीने में हुए सारे SEO रिलेटेड डेवलपमेंट्स थे. एंड आई होप दैट सभी लोग जो अभी लॉकडाउन ऑर्डर्स चल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे. अगर आपकी कंट्री में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर
लॉकडाउन फॉर्मली अनाउंस नहीं किया गया है, तो भी अंदर रहिए, सेफ रहिए एंड लेट्स फेस दिस टफ टाइम टुगेदर, राइट? सो कमेंट्स में बताइए कैसे कर रहे हैं आप लोग एंड कैसा चल रहा है. सो स्टे मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखिए, अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वो ज़्यादा टफ टाइम फेस कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली इस सारी जो कोविड 19 सिचुएशन है, इससे सबका लॉस होने वाला है, सारे बिजनेसेस का लॉस हो रहा है एंड अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड विल नॉट बी टोटली अनटच्ड बाय दिस. बट राइट नाउ लेट्स टेक केयर ऑफ अवर क्लाइंट्स, राइट? इफ दे आर गुड, यू आर गुड. सो स्टे वेल, टेक केयर एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड साथ ही कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगर मुझे इस टाइप के जो ऑडियो ओनली वीडियोज़ हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सो दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो एंड आई होप टू सी यू सी नेक्स्ट टाइम वेरी सून. थैंक यू सो मच, टेक केयर.